ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा परिसरों में अवैध निर्माण का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है और इसमें इलीगल पानी का कनेक्शन लेकर पीने का पानी अवैध निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहा है, अब इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए बीजेपी के ठाणे जिला शहर जनरल सेक्रेटरी मनोहर सुखदरे ने 10 जून को अनशन पर बैठने की बात की थी, मगर टीएमसी अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त अशोक बुरपल्ले से भी मुलाकात की और कार्रवाई की बात की। इस पर मनोहर सुखदरे ने क्या जानकारी दी है? महेश आहिर का तो कहना है कि हम खुद कार्रवाई करेंगे, रमजान की वजह से वो रुके हुए थे, लेकिन अब उन्होंने खुद कार्रवाई की बात की है, तो फिर आप लोगों ने आंसर करने का निश्चय क्यों? जरूर, क्योंकि हम लोग ने एक महीना पहले बोल दिया था, रमजान का महीना चालू है, आचार संहिता चालू थी, आचार संहिता में लोगों ने ये जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है वो लोगों ने उसका फायदा उठाते हुए काम किया है ना। इनलीगल कंस्ट्रक्शन वाले को रमजान का महीना नहीं है, गणपति का महीना नहीं है, दशहरा नहीं है, कुछ नहीं है, उनको खाली इनलीगल कंस्ट्रक्शन करने का है। हमें लकी कंपाउंड जैसी दुर्घटना वापस चाहिए क्या? जैसे हमारे लकी कंपाउंड केस में जो कितने लोग निष्पाप लोग हमारे मर गए, वो भी हमारे भाई बहन थे, और ऐसी दुर्घटना अगर वापस मुमरा में हो जाती है तो उसके अलावा क्या लगता है कि महेश आहिर अवैध निर्माण रोकने में नाकामयाब है? नहीं, उन्होंने जो कार्रवाई की है, लेकिन वो कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए वो उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। जो दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं वो दिखाने का कार्रवाई नहीं चाहिए हमें, हमें जड़ तक उखाड़ने की कार्रवाई चाहिए। हम लोग जो चाहते हैं जड़ तक उखाड़ने की कार्रवाई चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कुछ छोटे मोटे कार्रवाई करने के बाद में उनको जो जिस तरह से धमकी का फोन है, हम लोग उसका निषेध किया। भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम करने वाले अधिकारी के पीछे हम लोग खड़े हैं, और उनकी जो उन्हें जो धमकी का फोन आता उसको हम लोग ने जाहिर निषेध किया है, लेकिन उसके बावजूद जो जड़ से उखाड़ने की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हमें दिखती नहीं है, इसकी वजह से हम लोग ने अनशन का इशारा। पानी को लेकर भी आपने दिया है? पानी के लेकर भी हम लोग ने दिया है, लेकिन पानी के बारे में अभी तक उन्होंने उनसे कुछ कहा नहीं। एक बार इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो धन वो बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी चोरी का काम बंद हो जाएगा, क्योंकि जो पीने का पानी हमारे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, टैंकर से लोग पानी भर रहे, बहुत बड़ी समस्या है पानी। आप अवैध निर्माण पर आवाज उठा रहे हैं, तो आपको कितना अवैध निर्माण मुमरा शहर में नजर आया है? लगभग मुझे 20-25 अभी दिख रहे हैं, छोटे मोटे जो भी है 20-25 दिख रहे हैं, और उसकी यादें भी हम लोगों ने माननीय उपायुक्त को दी है, और उन्होंने सहायक आयुक्त को भी उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। सहायक आयुक्त ने क्या कहा है आपसे, कब तक कार्रवाई करेंगे? 10 तारीख को बोला उन्होंने, जैसे ही उपायुक्त साहब ने सहायक से फोन पे बात किया तो उन्होंने बोल दिया वहाँ से कि 10 तारीख से हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे बड़े पैमाने पर। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो? कार्रवाई नहीं होने के बाद में हम लोग ने पत्रक दिया है, स्थगित, हमारा जो अनशन है वो स्थगित है, और स्थगित के बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर उपोषण के लिए नहीं बैठेंगे, हम लोग डायरेक्ट न्यायालय प्रक्रिया शुरू कर दे उसके अंदर। मनोहर सुखदरे, इशाक मुलानी, शब्बीर शेख का कहना है कि 10 जून तक कार्रवाई नहीं की गई तो अनशन पर बैठेंगे। वहीं सहायक आयुक्त महेश आहिर का कहना है कि रमजान और आचार संहिता की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी, मगर अब कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।